अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सब कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपके हिफ्ज अमान में रखे, आमीन। तो नाज़रीन, जैसे कि आज मैं बनाने लगी हूँ एग चिली, तो बहुत टेस्टी। ऐसे तो बोर हो जाते हैं बच्चे भी और बड़े भी इस तरह के खाने से। थोड़ा सा चटपटा हो तो खाने में भी टेस्टी लगता है और आसानी से खा भी लेते हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो चलिए नाज़रीन, मेरे तरीके से बना के दिखाऊंगी एक चिल्ली किस तरह से बनती है। तो देख लीजिए नाज़रीन, मैंने एक टमाटर प्यूरी बनाया था, इसको ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, कैप्सिकम, प्याज को और ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और नमक, लाल मिर्च, गर्म मसाला, फूड कलर, थोड़ा सा मैंने तेज़पत्ता तोड़ के ले लिया है, धनिया, हल्दी और 3 अंडे, इनको हाफ कर देंगे नाज़रीन। पहले तो हम इस अंडों को फ्राई करेंगे, फिर हम बनाएंगे एक चिल्ली। तो चलिए, तो देखिए नाज़रीन, मैंने इस तरह से कट करके ले लिए हैं हमारे एग्स को। तो मैंने ऑयल भी रख लिया है गर्म के लिए, क्योंकि हमें पहले फ्राई करना होता है हमारे एग्स को। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे गर्म तेल में, ठीक है नाज़रीन? हम ठंडे तेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये अच्छे से फ्राई करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल लेते हैं एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे नाज़रीन, फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो नाज़रीन देखिए, कुछ इस तरह से फ्राई कर लेना है हमको एग्स को। इसके ऊपर बस नमक मिर्च भी डाल के खाएं ना, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो नाज़रीन इसके लिए माजरत, मैंने आपको बताना भूल गई थी, हम थोड़ा सा चिकन पाउडर भी लेंगे, देखिए बस 1 चम्मच। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है नाज़रीन। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले हम ऐड कर लेंगे प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पका लेंगे नाज़रीन, फ्राई कर लेंगे, फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर आप मटन, चिकन, फिश, कोई भी डिश से बोर हो चुके हैं तो ये आप जल्दी भी पकने वाली रेसिपी है नाज़रीन, बहुत जल्द पक जाती है, बहुत इजी है, घर की चीज़ों में ही बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नाज़रीन देखिए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन के पेस्ट को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काट के रखी हुई है कैप्सिकम को। देखिए नाज़रीन माशाल्लाह, तो नाज़रीन अब इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे सूखे मसाले और जो तेज़ पत्ता रखा हुआ था उन चीज़ों को। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है कैप्सिकम को नाज़रीन, नहीं तो बहुत गल जाएगी जल्दी से। तो इसलिए हम बस आधा मिनट या 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे बस। देखिए नाज़रीन माशाल्लाह से, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो चिकन का पाउडर रखा हुआ है इसको। इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है नाज़रीन, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है इसका। अभी से माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए नाज़रीन कुछ इस तरह से हमें कैप्सिकम नज़र आनी चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर को पीस के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा नाज़रीन, जब तक ये पक नहीं जाता तब तक हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके थोड़ी थिकनेस लाएंगे नाज़रीन, बस ज़्यादा नहीं, बस छोटे चम्मच से 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे बस। इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करके फिर हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए नाज़रीन माशाल्लाह से, अगर रोटी भी बनी हो ना तो इसी के साथ भी खा सकते हैं, इसका बहुत टेस्ट होता है इसका भी।
बिना एक्स के। तो देखिए नाजिन, अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी थिकनेस लाने के लिए। ऑलरेडी थिक है नाजिन, ये नहीं कि नहीं है, थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर डालने में इसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है हमारे एक चिल्ली में। तो ये लाजमी डालिएगा क्योंकि ये हमारी रेसिपी में ये ऐड होता है, तो हम लाजमी डालेंगे। तो नमक मिर्च इस टाइम आप देख लेना नाजिन। तो नाजिन देखिए, माशाल्लाह, देखिए नाजिन इसकी ग्रेवी इतनी प्यारी लगती है खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे बना था, कैसे लगा आपको। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो फ्राई करके रखे हुए हैं एग्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक मिनट नाजिर, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो नाजरीन देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने काट के रखा हुआ था धनिया को, और गैस को कर देते हैं बंद। बस तैयार हो गई हमारे एग चिल्ली। तो चलिए नाजरीन, मैं इसको डिश आउट कर लूँ, फिर आपको मैं इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारा बना है। तो नाजरीन देखिए, हमारा फाइनल लुक एग चिल्ली का माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है नाजरीन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कि कैसे बना था। और उम्मीद भी करूँगी आप सबको पसंद आई होगी आज की ये रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो नाजरीन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए नाजरीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नई ताज़ा रेसिपी के साथ आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपके हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, टेक केयर, दुआ में याद रखना और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।